नमस्कार दोस्तों, अल्पाइन आइबेक्स जिसे स्टीनबॉक और आइबेक्स के रूप में भी जाना जाता है, यह जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो यूरोपीय आल्पस के पहाड़ों में रहती है। यह एक यौन द्विरूपी प्रजाति है। इस प्रजाति में नर बड़े होते हैं और मादाओं की तुलना में लंबे घुमावदार सींग वाले होते हैं। इसके कोट का रंग आमतौर पर भूरा भूरा होता है। अल्पाइन आइबेक्स हिमरेखा के पास खड़ी उबड़खाबड़ इलाकों में रहते हैं। यह सामाजिक होते हैं। हालांकि दोस्तों, वयस्क नर और मादा साल के ज्यादातर समय के लिए अलग रहते हैं। यह केवल सहवास के लिए ही एक साथ आते हैं। इन जानवरों के चार अलग अलग समूह होते हैं, जिनमें वयस्क नर समूह, मादा संतान समूह, युवा नर के समूह और मिश्रित लिंग समूह होते हैं। दोस्तों, प्रजनन के मौसम के दौरान नर मादाओं तक पहुंचने के लिए आपस में लड़ते हैं और अपने लंबे सींगों का उपयोग आक्रामक व्यवहार में करते हैं। अल्पाइन आइबेक्स में एक छोटा चौड़ा सिर और एक सुस्त कोट होता है। इसके ज्यादातर शरीर पर भूरे भूरे रंग के बाल होते हैं। इसका एक पीला पेट और ठोड़ी और गले पर और पीठ के साथ एक पट्टी में थोड़ा गहरा निशान होता है। नर आमतौर पर 80 से 105 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और इनके शरीर की लंबाई लगभग 140 सेंटीमीटर से लेकर 175 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके शरीर का वजन लगभग 15 किलोग्राम से लेकर 35 किलोग्राम तक हो जाता है। नर और मादा दोनों अल्पाइन आइबेक्स में बड़े पीछे की ओर घुमावदार सींग होते हैं। दोस्तों, अल्पाइन आइबेक्स का मन पसंद आवास जंगलों के ऊपर बर्फ की रेखा के साथ चट्टानी क्षेत्र है, जहां यह 1800 से 3400 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी उबड़खाबड़ इलाकों में रहता है। नर शंकुधारी वनों में शीतकाल व्यतीत करते हैं। ज्यादातर साल के लिए नर और मादा अलग अलग आवासों में रहते हैं। मादाएं नर की तुलना में ज्यादा ढलान वाले इलाकों पर भरोसा करती हैं। नर वसंत के दौरान तराई घास के मैदानों का उपयोग करते हैं, जो तब होता है जब बर्फ पिघलती है और हरी घास दिखाई देती है। फिर ये गर्मियों के दौरान अल्पाइन घास के मैदान में चढ़ जाते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो दोनों लिंग खड़ी चट्टानी ढलानों पर चले जाते हैं, जहां थोड़ी सी बर्फ जमा हो जाती है। अल्पाइन आइबेक्स अपने आहार में घास, काई, फूल, पत्तियों और टहनियों का मिश्रण खाते हैं। यदि पत्ते और अंकुर पहुंच से बाहर होते हैं तो ये अक्सर इस भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इनके प्रजनन का मौसम दिसंबर से शुरू होता है और आमतौर पर लगभग 6 सप्ताह तक रहता है। इस समय के दौरान नर झुंड छोटे समूहों में टूट जाते हैं, जो मादाओं की तलाश करते हैं। इनका प्रदर्शन 2 चरणों में होता है। पहले चरण में नर समूह मादाओं के साथ बातचीत करते हैं, जो सभी मद में होती हैं। नर का पद जितना ऊंचा होता है, वह मादा के उतने ही करीब जल्दी पहुंच जाता है। नर प्रेमलाप प्रदर्शन करते हैं। लीक के दूसरे चरण में एक नर एक मादा का पालन करने के लिए अपने समूह से अलग हो जाता है। वह उसे प्रदर्शित करता है और अन्य नरों से इसकी रक्षा भी करता है। मैथुन से पहले मादा अपनी पूंछ हिलाती है और प्रेमलाप ज्यादा तेज हो जाता है। ये मैथुन करते हैं और फिर यह अपने समूह में शामिल हो जाता है और पहले चरण में लौट आता है। मादा का गर्भकाल लगभग 164 दिनों का होता है और इसके परिणाम स्वरूप 1 या 2 बच्चों का जन्म होता है। युवा अल्पाइन आइबेक्स 18 महीने में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। इन जानवरों के सींग जीवन भर बढ़ते रहते हैं। जीवन के दूसरे साल के दौरान सबसे तेजी से बढ़ते हैं और इसके बाद 1 साल में लगभग 9 सेंटीमीटर तक ही बढ़ते हैं। अल्पाइन आइबेक्स का औसत जीवन काल लगभग 18 साल का होता है, लेकिन इसके रहने के क्षेत्र के अनुसार इसका जीवन काल कम या ज्यादा भी हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की पशु पक्षियों से जुड़ी नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।